नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, अभी अभी भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 बहुत ही बड़े ऐलान कर दिए हैं, जिससे देश का हर वो नागरिक प्रभावित होगा जिसके पास में आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड है। तो दोस्तों, अगर आपके पास में भी आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और जो मोदी सरकार ने घोषणाएं की है, ऐलान किए हैं, उन्हें सही से जरूर जान लीजिएगा, आपको फायदे ही होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन ऐलान को, इन घोषणाओं को सही समय पर नहीं जानते हैं तो फिर आपको उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मोदी सरकार ने कुछ ऐसी घोषणाएं की है, कुछ ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे कि भारत की सभी महिलाएं, साथ ही में जो किसान है या फिर जो गरीब लोग हैं, उन सभी को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही में दोस्तों, अगर आप जियो फोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों, जियो फोन आपको मिलेगा मात्र 149 रुपए में। कैसे? आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, घर पर बैठे ही आपको आसानी से 149 रुपए में जियो फोन 5 मिल जाएगा, जो टच स्क्रीन का मोबाइल होगा जिसमें कैमरा, मल्टीमीडिया जैसी अनेक सुविधाएं होगी। साथ ही में दोस्तों, सरकार ने कुंवारी और जवान लड़कियों के लिए एक बहुत ही बड़ा और नया नियम बनाया है जिससे लड़कों को हो सकती है परेशानी। तो दोस्तों, आखिर में ऐसा लड़कियों को लेकर भारत सरकार ने कौन सा नया नियम बताया है, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों का जनधन खाता है तो जनधन खाते में अब मिलेंगे 2 लाख रुपए। तो दोस्तों, आखिर में जनधन खाते में किस प्रकार से ये 2 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर आपका पहले से जनधन खाता नहीं है तो आपको किस प्रकार से एक नया जनधन खाता खुलवाना होगा, नया जनधन खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन सी शर्तों को आपको पूरा करना होगा, उन सभी की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो मोदी सरकार ने यहां पर वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की स्कीम या फिर जो नया कार्ड बनवाया है या फिर जो योजना लाई है, इसके तहत स्वास्थ्य के अलावा आपको कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, वो भी इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बेटी है, कोई कन्या है, तो आपकी बेटी के खाते में हर महीने मिलने वाले हैं 4,500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की इस योजना के तहत आपकी बेटी के खाते में 4,500 रुपए किस प्रकार से मिलेंगे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और सशक्त बनाने के लिए और बेटियों को समाज में एक अच्छा स्थान दिलवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मोदी सरकार ने 2020 में एक नई योजना की शुरुआत की है जिसके तहत बेटियों को हर महीने बैंक खाते में 4,500 रुपए मिलेंगे, जिससे कि वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकती है या फिर उसके शादी में भी ये पैसे काम में लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में ये कौन सी योजना है, इसका कैसे फायदा उठाना होगा, साथ ही में एक घर में कितनी बेटियों को फायदा मिलेगा, बेटी के कौन कौन से कागजात होने चाहिए, साथ ही में बेटी की कितनी उम्र होनी चाहिए, इन संपूर्ण बातों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो भाई और बहनों, चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही में दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए ऐसी खबरें रोजाना लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर कि दोस्तों, अगर आप आईपीएल के शौकीन हैं, आईपीएल का मैच देखना चाहते हैं, तो दोस्तों यहां पर आईपीएल को लेकर सबसे पहले बहुत ही बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों, आईपीएल 2020 में नहीं होगी ये 4 चीजें, मजा होगा फीका। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2020 में ये 4 चीजें नहीं होगी। पहली तो देश में, ये हमारे देश भारत में नहीं आयोजित किया जाएगा, यूएई में आयोजित किया जाएगा। दूसरी चीज की दोस्तों, फैंस की गैर मौजूदगी होगी, मतलब कि बिना दर्शकों के ही आईपीएल के मैच कराए जाएंगे। अगली दोस्तों है कि खिलाड़ियों के परिवार वाले नहीं आ पाएंगे। आज से पहले दोस्तों, जो भी खिलाड़ी होते थे, क्रिकेटर होते थे, उनकी बीवियां या फिर जो प्रेमिकाएं होती थी, वो मैच देखने आती थी, लेकिन दोस्तों आज से ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पर कोरोना का संक्रमण चल रहा है। अगला दोस्तों, यहां पर कमी होगी, हाथ मिलाना और गले लगाना हुआ बंद। तो दोस्तों, जब खिलाड़ी क्रिकेट में आउट होंगे या फिर जो भी और बात होगी, तब तो हाथ मिला सकते हैं आपस में, लेकिन जब मैच हार जाते हैं या फिर जीतने, मैच खत्म होने के बाद में जब एक दूसरे के ऑपोजिट टीम वाले लोग हाथ मिलाते हैं या फिर गले मिलते हैं, तो वो यहां पर इस बार बंद कर दिया गया है। साथ ही में दोस्तों, चीयर्स लीडर्स पर भी लग सकता है बैन, मतलब कि 2020 में चीयर्स लीडर्स भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इन चीजों के कारण आपका आईपीएल है जो 2020 थोड़ा फीका भी हो सकता है। अगली दोस्तों बड़ी खबर, जियो फोन मिलेगा मात्र 149 रुपए में, ऐसे कराएं घर बैठे रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, आपको कहीं भी नहीं जाना है, सबसे पहले आपको जियो की वेबसाइट पर जाना है या फिर जियो के एप्लीकेशन पर जाना है, और वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर आपको क्रेडिट कार्ड की मदद से एक तो 141 रुपए जमा कर देना है, और आपको हर महीने 141 रुपए देने होंगे जब तक कि 3,000 रुपए की धनराशि पूरी नहीं हो जाती। तो दोस्तों, जब 3,000 रुपए की धनराशि पूरी हो जाएगी तो जियो फोन आपका हो जाएगा, लेकिन आप जब
पहले ही 141 रुपए की किस्त माई जियो ऐप या फिर जियो वेबसाइट पर सबमिट करा देंगे तो आपको अपना जो है जियो फोन 5 मिल जाएगा, जिसका आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली खबर की दोस्तों, अगर आप पतंजलि के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आज से पहले जितने भी आईपीएल थे तो आईपीएल के दौरान यहां पर वीवो आपको हर जगह दिखाई देता था, मतलब कि आईपीएल के दौरान वीवो की स्पॉन्सरशिप होती थी। लेकिन दोस्तों अब यहां पर चाइनीज प्रोडक्ट पर बैन लग चुका है, चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट हो रहा है। इसी को देखते हुए आईपीएल 2020 में वीवो की जगह पतंजलि की स्पॉन्सरशिप होगी। तो दोस्तों ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात। तो दोस्तों कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं कि देश में जवान लड़के और लड़कियों के लिए एक नियम बनाया गया है, खासकर जो जवान लड़कियां हैं उनके लिए एक सरकार ने नया नियम बनाया जिससे कि सभी लड़कों को हो सकती है परेशानी, कुछ ही देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि जनधन खाता वालों को मिलेंगे 2 लाख रुपए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन खाते में जमा राशि 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। अगर आपने अभी तक अपना जनधन खाता नहीं खुलवाया है तो आप काफी सारी सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं। और आपको बता दें कि जनधन खाता बिल्कुल फ्री में खोला जाता है और इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखना होता है। और 6 महीने के बाद में आपको 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है, जिसके तहत आप सरकार से 5,000 रुपए का लोन भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी सुविधाओं के अलावा भी हम आपको बता देंगे कि जनधन खाते के तहत आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, आपको जनधन खाते के तहत आप जिन भी लोगों का जनधन खाता है अगर आप उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो यहां पर क्लेम कर देते हैं तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जनधन खाते के तहत आपको 2 लाख रुपए का जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है। अगली दोस्तों बड़ी खबर की, अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों भारत सरकार के इस विभाग में निकली है बंपर भर्ती। 18 से लेकर 40 साल के उम्र के लड़के और लड़कियां कर सकते हैं आवेदन और ले सकते हैं सरकारी नौकरी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत सरकार के डाक विभाग में राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र वाले जो विभाग है इन सभी में डाक विभाग में बंपर भर्ती निकली है, जिसमें डाकिया, MTS जैसे कई पोस्ट है जिसमें से लेकर 12वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसमें डाकिया के लिए 8वीं पास रखा गया है, 10वीं MTS है और साथ ही में 12वीं पास के लिए भी कुछ पोस्ट है और कुल पोस्ट की संख्या है जो यहां पर 14,700 बताई जा रही है। तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसमें आपको कोई भी परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा आपका सिलेक्शन होगा और कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए आपका सिलेक्शन भी होगा। तो दोस्तों इसमें आयु के साथ साथ आपको साइकिल चलाना भी अनिवार्य है, साइकिल चलाना आना चाहिए तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आप राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली की ऑफिशियल पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं और फॉर्म भरकर एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। आगे दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपके घर में कोई बेटी है, कोई कन्या है, कोई लड़की है तो आपको भारत सरकार की इस योजना के तहत बेटी के खाते में मिलने वाले हैं हर महीने 4,500 रुपए। जी हां दोस्तों, 4,500 रुपए हर महीने आपकी बेटी के बैंक खाते में मोदी सरकार देने जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आगे तक जाए, बेटियों का भविष्य सुनहरा बने और बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले और साथ ही में शादी में योगदान मिले। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके तहत बेटियों को 4,500 रुपए उसके बैंक खाते में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसके तहत आपकी बेटी की आयु 1 साल से लेकर 22 साल तक के बीच में होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी बेटी है तो अगर उसकी आयु 1 से लेकर 22 साल के बीच में है तो दोस्तों इस योजना के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके घर में एक ही बेटी इस योजना के तहत आप आवेदन कर सकते हैं, एक से ज्यादा बेटियों का आप इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस योजना का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों अब इस योजना में बदलाव किया गया है। तो दोस्तों पूरी योजना क्या है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगली दोस्तों बड़ी खबर कि मोदी सरकार ने जवान लड़कियों के लिए एक बनाया है नया नियम, लड़कों को हो सकती है परेशानी। तो दोस्तों आखिर में सरकार ने ऐसा कौन सा जवान लड़कियों के लिए नियम बनाया है जिससे लड़कों को परेशानी हो सकती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने यहां पर लड़कियों की उच्च शिक्षा और साथ ही में शादी के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसमें यह बताया गया है कि लड़कियों को शादी कब करनी चाहिए, शादी की सही उम्र क्या है, साथ ही में उच्च शिक्षा के लिए इन्हें क्या प्रयास करने चाहिए और साथ ही में बेटियों को कुपोषण
से किस प्रकार से बचाना चाहिए। तो दोस्तों उस कमेटी से रिपोर्ट निकल कर आई है कि बेटियों की शादी की उम्र अगर 21 साल कर दी जाए तो दोस्तों यहां पर है जो बेटियों की शिक्षा भी अच्छी होगी, साथ ही में वो कुपोषण से भी बच जाएगी और इनका विकास भी अच्छी तरीके से होगा। तो दोस्तों अभी मोदी सरकार इस कमेटी के निर्णय का जो है वो भी जो कर रही है और जब इस निर्णय की पूरी समीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद में इस पर फैसला लेगी और हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में जो भारत में है नया नियम लगेगा जिसके तहत बेटी की जो शादी की उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाएगी। तो दोस्तों अगर कोई भी लड़का या फिर कोई भी प्रेमी सोच रहा है कि मेरी प्रेमिका अब 18 की होने वाली है और मैं शादी करने वाला हूं तो दोस्तों आपको परेशानी होने वाली है क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी प्रेमिका या फिर जो भी बेटी है उसकी आयु बढ़ा दी जाएगी जिससे आप उसको 21 साल में शादी कर सकते हैं। 18 वाला सिस्टम अब पुराना हो चुका है या फिर होने ही वाला है। तो दोस्तों रोजाना ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।